तो हेलो गाइस, वापस आ गए हैं पबजी मोबाइल की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें भाई मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा भाई, जिसको देखने के बाद भाई आप बोलोगे ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई यार। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स बताऊंगा जो भाई नॉर्मल मिस्टेक्स होती है, बट ये नॉर्मल मिस्टेक्स भी भाई गेम हरवा देती है। तो भाई शुरू करते हैं अपनी पहली टिप के साथ, ठीक है। तो भाई हमारी जो पहली टिप है ना, वो ये है कि भाई क्राउच, प्रोन और जंप, ठीक है। देखो भाई, मैंने ना इसकी एक अलग से वीडियो बना के रखी है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो देखो, आपको फिर समझ आ जाए कि भाई ये वीडियो में पहले मैंने इसी का ही नाम क्यों लिया, ठीक है। सबसे पहली टिप मेरी यही क्यों थी, तो आप इसको देखो, आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये तीनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है किसी भी क्लोज कॉम्बैट या मिड रेंज के फाइट में, ठीक है ना। तो ये थी हमारी पहली टिप। जो दूसरी टिप है भाई, वो ये है कि भाई अपना जितने भी हम गेम प्लेस खेलते हैं ना, मतलब जो आप जितने भी गेम प्लेस खेलते हो, चाहे वो आर्केड हो, चाहे वो वॉर मोड हो, चाहे वो इरेंगली क्यों ना हो, उसको रिकॉर्ड कर दो भाई स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से, ठीक है। देखो, रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है कि भाई देखो, अगर आप उसको रिकॉर्ड करते हो ना, तो आपकी जब कभी ऐसी फ़ाइट वगैरह हो जाती है जिसमें आपको लगता था कि यार मैं जीत सकता था इसमें, लेकिन मैं हार गया इस चीज़ में, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वहाँ पे क्या गलती थी उस जगह पे, कि आप वो क्लोज को आप हार गए, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा उसमें जो आपकी मिस्टेक थी। तो ये थी हमारी दूसरी टिप। तीसरी टिप भाई ये है कि भाई हमेशा कवर में रहो, ठीक है ना। कहीं भी अगर आप रश करने जा रहे हो, मीन्स कि आपको अगर किसी घर पे पुश करना है या आप कहीं ओपन में भाग रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भाई देखो कहीं आगे पीछे कवर है, तो उसी कवर के थ्रू भागो। क्योंकि भाई क्या होता है ना, आपको पता नहीं है, जब आप पबजी खेल रहे हो ना, तो आपको पता नहीं है कि भाई कहाँ पे एनिमीज़ बैठे हैं, ठीक है ना, कहाँ से आपको कोई भी फायर कर सकता है, मीन्स कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको इतना होना चाहिए कि भाई आपके आगे पीछे आपके कवर हो, ताकि अगर आप पे कोई डायरेक्ट स्प्रे कर ले या अचानक से कोई स्प्रे आ जाए, तो आप उस स्प्रे से बचने के लिए उस कवर में जाके चले जाओ, ठीक है ना। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना, आगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो टिप है कि भाई कभी भी बिना आर्मर के फाइट मत लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास आर्मर नहीं है और आपके साथ में स्क्वाड उतर गया, पहले तो भाई देखो स्क्वाड कहाँ उतर रहा, ठीक है ना, ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, उतर रहे हो फिर मर रहे हो जल्दी, उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। देखो स्क्वाड कहाँ उतर रहा है, उसके थोड़ा अपोजिट उतर जाओ या कहीं साइड पे उतर जाओ, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट, ताकि डायरेक्ट ना गन फाइट हो जाए आपकी, ठीक है ना। कभी कभी तो भाई गन ही नहीं मिलती है, बिना गन फाइट के तुम पहले जाते हो, तो देखो कहाँ पे उतर रहे हो आप, ठीक है ना। उसके बाद तो फिर बिना आर्मर के तो फाइट कभी लो नहीं, ठीक है ना। आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो भाई चले जाते हैं बिना आर्मर के गन लेके और बंदे को नॉक कर देते हैं, ठीक है ना। तो भाई देख रहे हो आप, वो अच्छा देख रहे हो, बट सोच के देखो ना एक मिनट, कि अगर आप सोचो कि आप गेम खेल रहे हो, आप जा रहे हो किसी के ऊपर रशमाने बिना आर्मर के, तो आप क्या उसको मार सकते हो, ठीक है ना। आगे वाला प्लेयर अगर नूब होगा तभी आप मार सकते हो, वरना अगर कोई एम अच्छा जिसका होगा भाई, वो तो ऐसे मरने वाला तो नहीं ना, ठीक है। वो क्या करते हैं कि भाई वो अपने से छोटे टायर में खेलते हैं, मीन्स लोअर टायर में खेलते हैं, इसलिए वो उनको ईजीली पड़ जाता है कि भाई सामने वाले को वो नॉक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप उनको देख के ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो भाई ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना। देखो मगर ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो ये थी भाई हमारी टिप। अब आगे वाली टिप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, और वो ये है कि भाई अपना क्लॉ सेटअप करो, ठीक है। देखो गाइज, आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, यहाँ काफ़ी सारे जो पबजी मोबाइल प्लेयर्स हैं, गेमर्स हैं, जो उनको देखा होगा, और आपने नोटिस किया होगा कि उनका क्लॉ जो होता है वो उन्होंने खुद बनाया होता है, ठीक है ना। किसी का और क्लॉ होता है, किसी का अलग क्लॉ होता है, किसी का मगर सेम नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम होगा मगर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं उसमें। तो कोई कोई क्या करता है भाई, उन्हीं का क्लॉ उठा के अपने फ़ोन में चिपका देता है, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि भाई देखो, उन्होंने अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ही वो क्लॉ सेटअप किया होता है, ठीक है। जहाँ पे उनकी फिंगर कंफर्टेबल है वहाँ पे ही उनका बटन फिक्स होता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, कुछ अपने से ही मतलब उधर से उठा के इधर डाल दिया, जबकि वो उनके लिए कंफर्टेबल भी नहीं है, मतलब उनकी उंगलियाँ दर्द हो रही है बट वो फिर भी खेले जा रहे हैं उस पर, और उससे उनका फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जीत भी नहीं पा रहे हैं वो गेम। तो गाइज क्या करो, देखो आइडिया लो उनसे, बट क्लॉ अपना सेटअप करो, ठीक है ना। उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल होगे, आपका गेम भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, तो भाई मज़ा भी आएगा, ठीक है ना, उस क्लॉ के साथ। तो भाई ये टिप थी कि क्लॉ को अपना सेटअप दो, मींस कि अपना देखो कि भाई कैसे मैं कौन सा बटन कहाँ पे रखूँ, कैसा कहाँ रखूँ, जॉयस्टिक का कैसा होना चाहिए,
ठीक है, कुछ लोग बोल देते भाई कि जॉयस्टिक को छोटा कर दो, उससे मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मेरे को वो, मैंने भी एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने बोला था कि जॉयस्टिक को छोटा कर दो, बट वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है। मेरे को उससे खेला नहीं जा रहा था। मेरा साइज़ है जॉयस्टिक का कोई 72-75 के बीच में आता है, मैं उसमें ठीक हूँ, ठीक है ना। मेरे को उसमें बेटर लगता है तो मैं उसी में ही खेलूँगा। तो मैंने चेंज किया था, बट मेरा गेम प्ले थोड़ा ख़राब हो गया, बट मैंने फिर से सेट करके बस अब डिसेंट चल रहा है भाई। तो हाँ, अपना क्लॉ खुद सेटअप करना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो भाई जो अगली टिप है ना, वो एक तरफ से यार तुम सजेशन समझ लो, ठीक है ना। देखो भाई, पबजी में ना काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है ना। छोटे से छोटे टायर का प्लेयर भी आज भाई कम से कम भी 10 किल करके नहीं मानता, ठीक है ना। तो और समय ना भाई रशिंग का कीड़ा पड़ गया, मीन्स कि जहाँ बंदे दिखे रश कर दो, जहाँ बंदे दिखे रश कर दो, अंधाधुंध रश कर दो, ठीक है ना। चार के चार बंदे एक ही साथ जा रहे हैं और रश करके आ रहे हैं। तो इसीलिए मेरी ये सजेशन आपको कि भाई आप जायरो सीखो, ठीक है ना। अब भाई देखो, हर बंदा ना इम्प्रूवमेंट चाहता है, ठीक है ना। अब पहले आप 2 फिंगर पे थे, फिर 3 फिंगर आया, फिर 4 फिंगर आया, फिर 5, 6, 7, 8, अब 12, पता नहीं क्या क्या। तो भाई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं सारे, जो कि अच्छी बात है, ठीक है ना। सबको इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं ऐसे कि जो अभी तक जायरो नहीं सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको भाई लगता है कि जायरो बहुत बड़ी दूर की चीज़ है, मतलब उनसे नहीं क्या किया जाएगा यार। भाई देखो, जब तक तुम पानी में हाथ नहीं ना डालोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा पानी गर्म है या ठंडा, ठीक है ना। एक बार ही हाथ डाल के देखो जायरो पे, मैं आपको बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, आप जायरो खेलोगे ना एक बार, एक दो दो मैच खेलने से भाई आप मर गए तो उससे क्या हो गया भाई। 2 मैच में आप नहीं जीत पाए तो क्या हो गया। तीन तीन खेलो, 4 खेलो, 5 खेलो, जब तक आप सही नहीं हो जाते उस पर, ठीक है ना। भाई एक बार आप जायरो सीख गए ना, मैं बोल रहा हूँ भाई, आप बोलोगे कि ये भाई पहले क्यों नहीं बोला तूने यार, जायरो क्यों नहीं बताया पहले हमें, ठीक है। काफ़ी लोगों ने जायरो बताया, उस पर वीडियो भी बनाई है, मैं भी बनाऊँगा अपने हिसाब की वीडियो, उन्होंने भी अपने हिसाब की बनाई है, मैं अपने हिसाब की बनाऊंगा, आपको बताऊंगा जायरो कैसे खेलना है, ठीक है। बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा, आप सीख जाओगे जल्दी से जल्दी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको जायरो में भी बताऊंगा पक्का। तो हाँ भाई, जायरो सीखो, एम अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो भाई किल्स भी अच्छे मिलेंगे और गेम भी अच्छा होगा आपका, केडी भी, तो भाई वो तो तबाही मचाए। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, इसको जाओ इसको इम्प्लीमेंट करो, इस चीज़ को सिर्फ देखो ही नहीं इम्प्लीमेंट भी करो, और भाई इम्प्लीमेंट के साथ साथ एक सब्सक्राइब और एक लाइक भी दे दो, ठीक है ना, ताकि मैं आगे भी ऐसे मोटिवेट होता रहूँ, ठीक है, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ आपके लिए। तो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।